देखिए उन फॉर्मूला में से दूसरा फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, छह फॉर्मूले में से दो एक तरह से होंगे जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और बाकी एक तरह से जो हमने पहला क्वेश्चन करा दिया गया है। तो इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा, एक तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं इसको, इजी मेथड है, और दूसरा मेथड हम पार्शियल फ्रैक्शन से ही करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे जो कि है वन, देखिए सिर्फ इसको लेकर चलते हैं, ये है वन अपॉन, हम लेकर चलेंगे वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो कि ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स हो गया। ठीक है, आपको पता ही होगा पार्शियल फ्रैक्शन में आंशिक भिन्न में किस तरह से इसको स्प्लिट करते हैं। देखिए अगर सिंगल पावर है तो हम इसके लिए लिखते हैं ए अपॉन ए प्लस एक्स, यानी ए अपॉन ये लिखते हैं प्लस बी अपॉन ये लिखते हैं। क्लियर है, प्लस बी अपॉन ए माइनस एक्स। क्लियर है, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वन अपॉन ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स ही इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम अब देखिए इससे इसे डिवाइड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमारा टू अपॉन फाइव प्लस सिक्स अपॉन सेवन है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 35, और फिर इससे इसे डिवाइड करते हैं, जैसे कि 5 से 35 7 टाइम्स डिवाइड होगा तो 7 के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। सेम तरीका इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, यानी इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a into a minus x प्लस, जब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, a plus x बचता है, a plus x की ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे a plus x। क्लियर है, इससे कैंसिल हो जाता है तो इधर हमारा कांस्टेंट 1 बचता है और इधर a into a minus x plus b into a plus x। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं एक एक पार्ट को जीरो के इक्वल रख लेते हैं। सपोज कीजिए a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तब यहां से x की वैल्यू a आ जाती है, x को इधर पहुंचा दिए, a इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू a, x की वैल्यू जो a आई है पूरी इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो देखिए यहां पर 1, अब गौर करिए a माइनस एक्स जीरो है, जब हम यहां जीरो रखते हैं तो पूरा पार्ट जीरो। क्लियर है, बचता है b इंटू a प्लस, क्योंकि x की वैल्यू a आ चुकी है तो यहां पर a रख देंगे, इस तरह से a और a 2a और ये डिवाइड में चला जाएगा तो b की वैल्यू 1 अपॉन 2a। क्लियर है, अब एक बार इस पार्ट को हम जीरो के इक्वल रख लेंगे, a प्लस एक्स को इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है आपकी माइनस है। ठीक है, x की वैल्यू माइनस है, इसी इक्वेशन में रखते हैं, देखिए इधर तो 1 है और a इंटू a ये वाला, और देखो x की वैल्यू माइनस a है, जब हम यहां रखेंगे x की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहां पर भी a, और इसी तरह से a की जो वैल्यू है क्योंकि a और a 2a वो डिवाइड में जाएगा तो a की वैल्यू 1 अपॉन 2a। यहां तक क्लियर है, हमें सभी कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, और इसके बाद हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना होता है, ए की वैल्यू रखिए बी की वैल्यू रखिए। देखिए अब ए की वैल्यू आई हमारी 1 अपॉन 2, यहां रखते हैं 1 अपॉन 2a और डिवाइड बाय x प्लस a, सॉरी a प्लस x, इसका इंटीग्रेशन करना है dx में, और b की वैल्यू भी 1 अपॉन 2a प्लस के 1 अपॉन 2a अपॉन इंटीग्रेशन करना है a माइनस x dx। क्लियर है, कॉन्स्टेंट वैल्यू हम बाहर ले लेते हैं, देखो 1 अपॉन 2a यहां भी है, 1 अपॉन 2a यहां पर भी है, तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस x dx प्लस 1 अपॉन 2a और a माइनस x dx, यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू हमने दोनों बाहर ले ली। अब देखिए a प्लस x का 1 अपॉन a प्लस x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, जिस तरह से 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, सेम इसका जो इंटीग्रेशन होगा या आप t मानकर भी कर सकते हैं, तो मैं बताऊं इसका इंटीग्रेशन आएगा भाई, सपोज कीजिए ये x है तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहां पर 1 अपॉन a प्लस x का इंटीग्रेशन ये होगा। क्लियर है,
अब सोचने वाली बात है, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, इसका यही तो इंटीग्रेशन होगा वन अपॉन एक्स का, लॉग एक्स होता है, लेकिन क्योंकि एक्स यहां माइनस में है तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस के लॉग एक्स। ये बात आई समझ में? आप इसको ज्यादा समझने के लिए इसको टी लेट करके जब हम करेंगे इंटीग्रेशन, देखिए ए माइनस एक्स कॉन टी मान लेते हैं यहां पर, तो यहां से माइनस के डीएक्स इज इक्वल टू डीटी आता है, ठीक है, क्योंकि ए का डिफरेंशियल जीरो एक्स का, माइनस के डीएक्स, तो डीएक्स की वैल्यू माइनस के डीटी आती है। ये जो साइन माइनस का आ रहा है इसी वजह से यहां पर इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो यहां साइन माइनस का आया, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन 2 ये टोटल पार्ट में से हम कॉमन ले लेते, बचता है लोग a प्लस एक्स। वैसे यहां मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस का मतलब है देखो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है तो हम मॉडुलस लगा सकते हैं, और माइनस लोग a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। 1 अपॉन 2 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहां क्या बचता है, इसे हम मान लेते हैं लोग a माइनस लोग b। लोग a माइनस लोग b क्या होता है, लोग m माइनस लोग m लिख सकते हैं इसे, लोग m माइनस लोग n इज इक्वल टू होता है लोग m अपॉन n, यानी जब लोग के साथ माइनस में हो तो उसे डिवाइड में लिख देते हैं, यानी 1 अपॉन 2 a लोग ये, यानी a प्लस x डिवाइड बाय a माइनस x प्लस c। ये हमारा आंसर होगा, प्रूव हो जाता है क्वेश्चन। और इसी तरह से अगर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए तो बिल्कुल सेम मेथड यूज करना है आपको, तो उसका भी आंसर कुछ कुछ ऐसे ही होता है और इसी मेथड से सोल्व हो जाएगा वो, क्लियर है।